तो मैं जरूर एक चीज चाहूंगा, आज मैं आपका कॉफी सेक्शन दिखाना चाहूंगा, जो कि मेरा पर्सनली बिल्कुल मैं जरूर चाहूंगा। देखो ये जूते, जूता इससे बड़ा है। हाँ ये ले। अरे ये क्या है, देखो आपने कह दिया तो आपको क्या लगता है वो दिखाती नहीं, वो जबरदस्ती पैसा लगाया। देख कैसे प्यार कर रही है बेटी ने माँ को, इतना खाता है फिर भी माँ प्यार कर। Yo, what's up everybody? क्या हाल चाल? So, आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बिकॉज जब भी मैं मुंबई आया हूँ, जब भी मतलब मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया, आपके कमेंट सेक्शन कुछ इस तरीके से रहते हैं, संभावना दी के आ जाओ, अविनाश भैया के आ जाओ, संभावना दी के साथ ब्लॉग करो, संभावना सेठ के साथ ब्लॉग करो। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं संभावना दी अविनाश भैया के यहाँ, और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड उन दोनों से मिलने के लिए। तो आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे इस व्लॉग के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। A few moments later. Okay guys, so मैं पहुंच चुका हूँ संभावना दी और भैया के यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर कोको चेरी कैंडी और SS Vlogs का यहाँ पे कितना प्यारा इन्होंने रेडी किया हुआ है। यहाँ पे अविनाश भैया और दीदी का भी नाम है। सो अभी फिलहाल बेल बजाते हैं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो मैं अपने घर जाते टाइम एक्साइटेड होता। अरे कैसे हो गया, क्या हाल है भाई? I'm all well, आप कैसे हैं आप? बहुत बहुत फर्स्ट क्लास भाई। अरे यार क्या बात है, आ जाओ प्लीज, कम प्लीज। अरे ओके उसको देखो। हेलो जी, कैसे हैं आप? तू कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बस मैं बिल्कुल, मतलब इसमें कुछ छोटे से प्रोडक्ट है, ज्यादा मैं कुछ ला नहीं पाया। चुनचुन है क्या ये? ये हैंडमेड है, चुनचुन है। चुनचुन कहाँ है बेटा? आपको फोटो चुनिया, ये एक्चुअली बिल्कुल ही चुनचुन जैसे ही है, मेरे को एकदम लगा ही कि ये तो यार चुनचुन का ये हाथ से बनाया हुआ है। हाँ एक्चुअली ये सारा हमने कस्टमाइज हैंड पेंट किया है। सो बस कुछ शुरुआत किया, इट्स अ फर्स्ट बॉक्स टू बी लाइक, मुझे ताकि शुरुआत सही है अच्छी जगह से हो तो शायद आगे चीज ज्यादा की जाए। बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे मतलब खुद के मैन्युफैक्चरिंग के, मैं आप जरूर ट्राई करना इनको ना बच्चों के लिए। चुनना ये देखो कल आया अंकल, देखो आपके लिए क्या क्या लाए, देखो देखो कितनी सारी चीज लाए आपके लिए। ये कल आए अंकल। और एक छोटा सा गिफ्ट और है दी आपके लिए, एक हैंड आप कह सकते हैं पेंटेड दुपट्टा है। ओह थैंक यू, स्पेशली आपके लिए बनाया, मतलब बहुत टाइम लेता है ये चीज, बिल्कुल हैंड पेंट है। अच्छा वाओ, हर एक एक चीज आप देख सकते हैं दैट इज हैंड पेंटेड, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। बहुत बहुत, मैंने कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपका आना काफी था। वेरी ग्लैड टू मीट यू। कुछ घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे तो नहीं हुई, बट थोड़ा सा आगे चले गए थे तो 5-10 मिनट। आपकी तैयारी में मैंने कहा हम लोग ना तैयारी करते रहते हैं, साजो साजो सामान तब से सजा हुआ है। अरे लेकिन मतलब अब यही खाने वाले थे, बात होगी ना दो बच्चों के बीच में, यही होता है। मैं बोलती हूँ ना किसी को कि यार मेरे लिए चारों एक बराबर है, तो लोगों को लगता है नहीं नहीं आप बायस हो, आप कैंडी को ज्यादा, आप कैंडी को ज्यादा। किसी वीडियो में कमेंट आता है नहीं नहीं कोको ज्यादा प्यारा है, नहीं आप चेरी को नहीं पूछते हो, नहीं आप तो चुनचुन के पीछे रहते हो, चुनचुन को करते हो। जबकि ऐसा है नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल सिर्फ ना आई कैंडू कैंडू इधर आओ, इधर मैं बच्चा इधर आओ, इधर जाओ 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 चुनचुन चुनचुन बिल्कुल। अरे 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 वो देखो आपको इम्प्रेस करने के लिए टॉय लेके आई है। कोको की तबीयत कैसी है अभी? कोको वैसे तो ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अभी ये 19 का, अब वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहनी चाहिए, बट थोड़ा सा दिल में होता है ना पेट्स को लेके, मुझे ऐसा लगता है। मतलब वही है कि जितनी एज बढ़ रही है ना उतना ही टेंशन कोको दे रहा है, मतलब दिल में ऐसा होता है टेंशन नहीं कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, इनफैक्ट चलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको सपोर्ट देना पड़ता है मुझे बहुत। हाँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट इवनिंग में या रात को एक टाइम ऐसा निकालूं जहाँ पर मैं इसको
बाहर खुद से वॉक कराओ नीचे। सो दी मैं मतलब पर्सनली एक चीज पूछना चाहूंगा, कितना डिफिकल्ट रहता है आप दोनों को एक प्रॉपर अलग करियर और दो करियर को एक साथ चलाते हुए? बिकॉज यूट्यूब इज मोर लाइक मतलब यूट्यूब पे बहुत टाइम देना पड़ता है अगर एज अ क्रिएटर हम देखें ना, और आप दोनों दे भी रहे हैं साथ साथ, आप राइटिंग कर रहे हैं भी, अलग अलग चीजें, मतलब कोई टाइम ही नहीं है। हाँ वही मैं सोच, ये थॉट्स भैया कैसे मैं मतलब ये थोड़ी ऑडियंस को ये शायद ये चीज कोई नहीं पूछी आपने, पर ऑडियंस ये जरूर जानना चाहिए कि ऐसा कैसे मैनेज हो पा रहा है। यार मैं एक्चुअली सच बताऊँ ना भाई पुलकित, तो मुझे पहले ऐसे लगता था मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप मैनेज हो रहा है। ओके okay. और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ मेडिटेशन का है मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया ना, तो मेरी लाइफ में हर चीज अपने आप सेटल होती गई, मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए, पॉइंट वो अपने आप होता जा रहा है। और मैं भी कभी कभी हैरान होता हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं कि तू इतनी सारी चीजें करता है कैसे करता है, तब मैं भी सोचता हूँ कि हाँ यार कैसे करता हूँ, इसका मेरे पास जवाब नहीं है कोई। हाँ बट हो रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक मेडिटेशन। यस एंड दी आपको क्या लगता है, आप मेडिटेट करते हैं वैसे? मैं अविनाश से बिल्कुल अलग हूँ। हाँ मेडिटेशन नहीं करती मैं, बस बिलीव करती हूँ अपने काम में, बिलीव करती हूँ मैं। मेरा ना ऐसा यार नेचर है कि बस जो है सो है, मतलब अगर मेरा मन है तो मैं करती हूँ, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगी, मैं फोर्सफुली कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ लेकिन एक हार्ड वर्क तो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है। Point. तो अब हमको ये भी मैनेज करना है कि हम दोनों साथ में हैं, एक घर भी मैनेज करना है, बच्चे बिल्कुल, चार बच्चों को मैनेज करना है, प्लस हमें अपना दोनों का अलग अलग काम देखना है। yes. अब तो रील्स में भी आ गई हूँ मैं। हाँ. तो और मतलब लोगों ने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है, रील्स बनाओ तो रेगुलर डालनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा मुझे पता है था, बहुत अच्छा लगा। बहुत हार्ड वर्क, दिस इज टू मच ऑफ वर्क, मतलब यस एग्जैक्टली, मतलब लगता था कि ना रील बनाना तो बहुत आसान है, हाँ रील में बहुत मेहनत लगती है भाई, जितने लोग रील बनाते हैं उनसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, ये बात भाई आप बहुत मेहनत करते हो, जितने भी रीलर्स हैं हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ, सच में मतलब टाइम लगता है इतना तो देखो, एक वीडियो को लोग लगता है कि कैमरा उठाया हमने एक वीडियो बनाई और डाल दी, उसके पीछे जो भी चीजें होती है चाहे पोस्ट, वेट आपसे बात होगी चेरी। हाँ जी चेरी क्या हुआ, रुक जा। ओके दी, तो मैं जरूर एक चीज चाहूंगा, आज मैं आपका कॉफी सेक्शन दिखाना चाहूंगा, जो कि मेरा पर्सनली कॉफी सेक्शन, आ जाओ बिल्कुल, मैं जरूर चाहूंगा, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि किसी को मेरा कॉफी सेक्शन। अरे यार मैं मतलब मुझे कॉफी इतनी पसंद नहीं थी, मैं चाय लवर था, मैं कॉफी लवर बन गया हूं, मतलब सेक्शन आपने कह दिया तो आपको क्या लगता है वो दिखाती नहीं, वो जबरदस्ती कि भाई पैसा लगाया मेहनत लगाई है, बिना दिखाई थोड़ी छोड़ेंगे। वाओ मतलब ये ड्रीम है मेरा तो सच में, अब मेरे को कभी मैं अपना घर बनाऊंगा ना, मैं पहले ये सेक्शन बना के सबसे पहले आपको टैग करूंगा पहुंच जाके। ये जो बनाओगे ना, तो ये अगर आप कॉफी लवर हो या चाय लवर हो ना, तो ये याद रखना कि ये सेक्शन बहुत छोटा है, इस घर के हिसाब से हमें बनाना पड़ा, लेकिन कप्स मेरे पास नहीं तो नहीं 500 होंगे, मतलब ज्यादा नहीं करके बताइए, कम ही बता रही हूँ मैं, ये वहां कहां बिस्तरों के अंदर, इसके अंदर, फिर यहाँ पे कभी लगा देती हूँ, तो मतलब ना एक तो मुझे लोगों का प्यार इतना है कि गिफ्ट्स भी बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं, obviously, yes, you know, मार्क्स वगैरह बहुत गिफ्ट मिलते हैं, और मैं खुद भी बहुत शौकीन हूँ खरीदने की। हाँ, जो पसंद आया यही तो मतलब फटाफट लेना ही लेना है, तो मैं इसकी बहुत शौकीन हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि ट्रॉफीज का सेक्शन है, ट्रॉफीज का सेक्शन, वाओ हम लोगों ने जो भी काम किया है उसके थोड़ा बहुत चीजें हैं, थोड़ी बहुत ट्रॉफीज है हमारे पास, बाकी देखो काफी सारी टूटी हुई है नीचे, तो Wow, hats off. काफी सारी आई थिंक इसके अंदर भी होंगी ट्रॉफीज, मैं निकाल के क्या दिखाऊं आपको, हमारी ना मतलब ट्रॉफीज ऐसे बोरे में बंद हो जाती है, इधर जब शिफ्ट किए थे तो वो आधी तो इसमें से भी टूट गई थी। अच्छा मेरा इस बार एक चीज रह गया, बट नेक्स्ट टाइम भैया अंडा और पोहा खाना है। मेरे को सच में अंडा और पोहा खाना, मैं ना इस बार मैं ऐसे सोचता है ना, बट फिर ना मुझे लगा कि मतलब मैं जाऊंगा मैं ये चीज बोल दूं कि अंडा पोहा खाना है, अंडा, पर मैं नेक्स्ट टाइम कभी जरूर मॉर्निंग के टाइम आऊंगा जब अंडा पोहा खाने का टाइम होगा। पक्का, अभी तो आप ये बताओ आप कॉफी पियोगे कि चाय पियोगे? चाय जो बन गई, चाय बन गई तो चाय पीते हैं, चाय बन गई, मुझे लगा कॉफी सब लोग नहीं पसंद करते हैं ना। अरे नहीं यार आपने कॉफी, ये मतलब आपको ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। ओके सो ये कैन इसको देखना, हाँ चुनचुन, ओए चुनचुन ना ये फैंसी भाई का शू यहाँ पे अंदर लेके आई है, हमारी ये मूवमेंट मिस हो गई, और ये देखना ये यहाँ पर बैठे हुए, हाँ जी ताजी, तो इस मतलब जूते इससे ज्यादा भारी है।
हाँ, जूता जूता इतनी दूर तक देखो वहाँ पे शू पड़ा था और यहाँ से यहाँ तक लेके आई है वो। आपको किसने बताया ये सबके जूते ना बड़े बड़े भारी भारी ये कभी कभी तो एम्बैरेस फील होता होगा ना कभी कभी एम्बैरेस फील होता होगा ना बहुत बार होता है देखो ये जूते जूता इससे बड़ा है हाँ ये लो अरे ये क्या है ये देखो ये मेरे कैमरा को सर्च कर रहे हैं कैमरा तुम्हारा खाने लगे थे हाँ दोनों के दोनों मिल के क्या 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 नहीं नहीं अभी भौंक रही अभी क्या कर रही थी तू बता ये इतनी चलाक लड़की है ये देखना ये इसको ये तो नहीं ये मेरे ये मेरी स्ट्रेट डॉग ही लगती है आप अगर अगर उसके बीच में इसको छोड़ दो ये स्ट्रेट डॉग से कम नहीं है सिर्फ कान थोड़े लंबे हैं है ना चुन्ना ये तो स्टार है ये लड़की तो स्टार है ना अली बच्चा हेलो ये अभी मेरे को गुस्सा कर रही थी इसको एकदम ऐसा लगा डर गई नहीं, ऐसा ऐसा करते रहो वो तुम्हारी हो जाएगी अली अच्छा जब आपको कहीं ट्रेवल करना होता तो इन ये सब कैसे ये रह लेते हैं आपके बिना ये मतलब कौन सबसे ज्यादा मुझे लगता है यही तंग करती होगी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आती है जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ ये खाना पीना छोड़ देती है इसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मेरे को ऐसा लगता है ह्यूमन 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 के जो मतलब 5-10 साल के बाद ह्यूमन का बच्चा एटलीस्ट बोलने लग जाता है इंसान बोलने लग जाता है ये तो पूरी उम्र नहीं बोल पाते बट इनके जो एक्सप्रेशंस हैं बट जो इनके एक्सप्रेशंस हैं आप कुछ भी एक तरीका हमें समझ जाते हैं ना आप अगर कोई चीज बोलती है भाई एक्सप्रेशंस नहीं ये बोलती है बोल के बताती है सिसकियां ये तो सिसकियां मारती है रोती है ये इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं जब हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाए ना हाँ। इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं ऐसे करके रोती है और आंखों से आंसू मैंने कहा ये क्या नाटक है एक मेरे साथ मेरे को ऑलरेडी ब्लैकमेल करने वाली हाँ। थी ये दूसरी और आ गई है माँ बेटी की जोड़ी खतरनाक सो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी फ्रेंडली फाइट शुरू हो गई है फ्रेंडली नहीं है ये डेविल है ये डोमिनेट कर रहे हैं डोमिनेट कर रही है हाँ मतलब प्यार भी कर रही है खेल भी रही है और इसको इसको ये नहीं पता चुनचुन को कि अगर ये इसके ऊपर बैठ गई तो चुनचुन का क्या होगा नहीं वो भी मारती है चुनचुन आती है कि इसको लगे ना लेकिन हाँ, ये जब मारती है ना तो ये काटती मारती है मारती है ये फायदा उठाती है प्रिविलेज ले रही है अच्छा डॉग नहीं है बस बस बेटा ये देख लो मम्मी से पिटाई हो जाएगी तुम्हारी देख देखना जरा मम्मा मेरी ओए 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 हां Okay. कैसे प्यार कर रही है बेटी ने माँ को इतना काटा है फिर भी माँ प्यार कर माँ रही को है, कोई वो नहीं है कि तूने काटा कोई बात नहीं तू प्यार है अरे 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 हाँ अब नहीं देखो अब मैं कैमरा पास लेके आ रहा हूँ इनको अब कोई वो नहीं आ रही नहीं अब नहीं है अब तो प्यार मिल रहा है ना उसको हाँ जी प्यार मिल रहा है बच्चे मेरे ये मेरे बच्चे हैं नहीं मैं आई हैड सॉफ्ट टू दी इतना आप अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं ना मैं तो कहूँगा कि लोग भी अगर अपने बच्चों का ध्यान रखें तो मे बी वी कैन मेक अ बेटर प्लेस या बेटर प्लेस ऑन अर्थ इनके लिए सबके लिए कभी भी देखो अब मैं सिर्फ ये बोलूंगी डॉग समझ के मत लाओ कि हम डॉग ला रहे हैं ये हाँ, बच्चा आप घर में ला पूरी जिम्मेदारी है इनकी सब पूरी जिम्मेदारी है आपकी बिल्कुल डॉग को डॉग की तरह ट्रीट मत करो उनको बांध के अपने से अलग मत रखो क्योंकि हाँ, वो आपके बीच में बैठना चाहते हैं डॉग हमेशा अग्रेसिव तब होगा जब आप उनको बांधोगे केजेस में बंद रखोगे छोटे छोटे हमारे वहाँ होता है बहुत ज्यादा होता है नहलाया तो धूप सेकने के लिए ऊपर बांध दिया नहीं ऐसा नहीं होता आपका डॉग जो है वो आपके साथ बैठ के कंफर्टेबल बिल्कुल वो आपके पास जमीन पे बैठी है लेकिन वो कंफर्टेबल है यस वो उसको मतलब पास रहना है बस उनको इस समय अगर मैं अंदर बंद कर दूं तो वो भौंक भौंक के बुरा हाल कर तो ऑब्वियसली आगे काटेगी मुझे वो एग्रेसिव होगी हां एग्रेसिव बच्चे आपने पाले हैं या आपने डॉग्स नहीं पाले हैं बिल्कुल तो मुझे भी जब कई बार लोग बोलते हैं ना अरे बहुत हो गया मैम आप बच्चे भी कर लो डॉग से कितना प्यार करोगे ये भी बच्चे ही हैं पहले इनको पाल लो पहले ये वाले सेंटीमेंट्स समझ लो वो समझ लिए तो जिंदगी की सारी चीजें आप समझ जाओ पॉइंट
ओके सो अभी छोटा सा मतलब टूर तो वैसे आपके सारे व्लॉग में रहता ही है, बट मैं चाहता हूँ कि क्यों ना एक बार मैं भी पर्सनली देखूँ इसको। तो यहाँ पर मोस्टली कॉफी बनाई जाती है, मेरे हर कॉर्नर में कॉफी बनती रहती है। हाँ, बट मेरा फेवरेट कॉर्नर वही है वही है। अगर हम दोनों को थोड़ा सा अच्छा व्यू चाहिए होता है तो ये अभी नई बिल्डिंग आ गई यहाँ पे, वरना बड़ा क्लियर सी व्यू है। हाँ बिल्कुल सामने सारा सी व्यू है। तो मतलब मुझे मैं ऐसे कभी सी व्यू के सामने तो नहीं रहा दी। मतलब आपको कैसा लगता है, मतलब आपको कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट इधर शिफ्ट हुए? इधर मुझे इस बिल्डिंग में तो 10 साल से ऊपर ही हो गए। वाओ। हाँ। तब तक जब आप आओगे तो कितनी बिल्डिंग्स नहीं होंगी? कुछ नहीं था, नहीं नहीं बिल्कुल क्लियर था, है ना। हाँ तब तक तो बिल्कुल भी क्लियर था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि शायद घर बड़ा होना चाहिए। हाँ बच्चे ज्यादा हो गए, बच्चे ज्यादा हो गए, घर होना चाहिए। अभी थोड़ा प्लान कर रहे हो? वाओ। तो ये सबसे ज्यादा मैं अभी दीदी से बात कर रहा था, ये एरिया सबसे ज्यादा देखा है मैंने लॉकडाउन के अंदर। यहाँ पे बैठ के जो ये कैंडी जो गोदी में बैठ के वो बातें कर रही है उसके साथ। मतलब लॉकडाउन के बाद मैंने मेरा कॉफी कॉर्नर भी, हाँ मैंने, हाँ बाद ही बनाया आपने, बट कोल्ड लॉकडाउन के टाइम तो फिर भी कॉफी वहीं पे बैठ के पीते थे आप, है ना। कुछ और था ही नहीं ना करने के लिए वैसे। अच्छा लॉकडाउन में इन सबके साथ बॉन्ड ज्यादा हो गया होगा, व्हाट इज इट? नहीं मेरा बॉन्ड हमेशा सेम नहीं, फिर भी मतलब टाइम देने को टाइम दे पाए ना आप इनको, टाइम दे पाई और फिर उस टाइम का इसने बहुत फायदा उठाया। हम्म, ये जो बैठी है ना चोर, हाँ इसका तो देखा है मैंने, इसने बहुत फायदा उठाया है। देखते हैं ये कैसे बैठा है। हाँ ये बच्चा देखना कैसे बैठा है। ओए ये इतनी शरीफ वीडियो में तो नहीं, शरीफ नहीं है वो, आपको दिखा रही है कि मैं शरीफ हूँ। अच्छा उसको पता है ना कि शराफत का चोगा पहना है इसने। ये सारे बच्चे शरीफ बैठे हैं और वो उसकी एज है, वरना वो भी शरीफ नहीं था। वो तो गैंग बॉय है ना, अल्फा अल्फा है ना वो लड़का, मैं उससे रिस्क नहीं लूंगा। उसके बाद मेरा मन बहुत है उसके बाद जाने का। नहीं नहीं वो कुछ नहीं कहेगा आपको, एक बार जाके प्यार जरूर करो। हेलो कोको, कुछ नहीं कहेगा कोको बच्चे, गुड बॉय कोको, जितना प्यार करना है उसको करो। अरे 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 वाह यार, क्यों थी इसके अंदर इतनी हलचल हो रही है ना कि ये हो क्या रहा है। कोई तो आदमी कैमरा लेके बाकी सबके साथ कुछ कुछ कर रहा है जो मुझे भी कराना है। ये लो आ जाओ जाओ। हाँ। नहीं पास भी नहीं आना, पास भी नहीं आना, जाना भी है क्या। हाँ। करूं बहुत दुविधा में हूँ। हाँ। ये भी थोड़ी सी ऐसे लगता है ना, इसको मटर गस्ती का टाइम है इसका ना, तो ये वो फिर इसको सारा इसको वो भी हर एक चीज, ये बच्चे सोते रहते हैं, ये मस्तियां करती रहती होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे पूरा टाइम लाइन बननी होती है खेलने की लाइन से। ये तीनों एक दूसरे के पीछे होती है लाइन से, सुबह और शाम का ना इनका पर्टिकुलर टाइम होता है, बाकी तो फिर दिन में तो डॉग्स सोते ही ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और भैया से मिलके, एंड आई होप आप जल्दी मुझे सेवा का मौका दोगे। मैंने आपको मतलब मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ चंडीगढ़ आओ, प्लीज़ चंडीगढ़ आओ, वेरी एक्साइटेड। मैं चंडीगढ़ आऊँगी तो तुमसे डेफिनेटली पक्का, हम कुछ प्लीज़ वहाँ पे भी प्लान करेंगे। डेफिनेटली थैंक यू सो मच, आप ऑडियंस को इतना अच्छा मैसेज देते हो, एंड मतलब मेरे लिए एंड मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए संभावना सहित एंटरटेनमेंट चैनल देखना इज समथिंग लाइक ब्लेसिंग। अगर हम किसी भी चीज़ के स्ट्रेस में और सब, जैसे ब्लॉग का आता है ना तो अच्छा अच्छा ब्लॉग आ गया ब्लॉग आ गया ठीक है, पर मेरा मोस्टली दीदी शायद लाइक भी करते हैं, मैं सबसे पहले कमेंट कर देता, मैं देखता भी नहीं, मैं यार मजा आ गया, मैं थंबनेल देखते ही करते थे, मैं क्या थंबनेल लिखते हुए साथ ही, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है दीदी। पता क्या है, लाइफ में इतना डिप्रेशन है, इतना स्ट्रेस है लोगों की जिंदगी में, अगर हम लोग थोड़ी बहुत भी खुशियाँ पहुँचा पाए ना, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। देखो पैसा तो आपने भी कमा लेना है, मैंने भी कमा लेना है, सबने कमाना है, पैसे के लिए तो दुनिया चली रही है, लेकिन उसके अलावा अगर आप खुशियाँ बांट सको ना, और आपकी खुशी से कोई खुश हो रहा है, आपको देख के कोई खुश हो रहा है, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तो मैं सोचती थी कोई बड़ा मतलब एज इन एज वाला, मैं तो बहुत छोटा हूं, से छोटा सा बच्चा है ये तो एकदम, मैं बहुत छोटा हूं ऐसे एज में। और बस ठीक है दी, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ आपसे सीखा है और अभी सीखने को मिलेगा मुझे, इतना पता है, क्योंकि मुझे पता है मैं जिनसे कनेक्ट हो रहा हूं, आपसे कनेक्ट हो रहा हूं, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अरे कितना कुछ एक्चुअली, हम लोग यू नो ऑफ द कैमरा भी बहुत सारी बातें, ऑफ द कैमरा ज्यादा बातें करी हमने,
ऑन कैमरा कम करिए, ऑफ द कैमरा हम लोग बहुत सारे डॉग्स के बारे में, बहुत कुछ हॉर्सेस के बारे में पुलकित इतना ज्यादा जानता है. तो मैं बहुत अचंभे में थी कि ये इतना छोटा सा लड़का और इतना कुछ कैसे जानता है. एंड आई एम लाइक रियली इंप्रेस विद दिस बॉय. थैंक यू सो मच. मुझे बड़ा अच्छा लगा पुलकित तुमसे मिलकर. थैंक यू सो मच. एंड आई विश हिज चैनल ऑल द वेरी बेस्ट. और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं पुलकित को सब्सक्राइब करिए, उसको प्यार दीजिए. ही नीड्स योर लव. एंड एनिमल लवर आई एम श्योर यार, जितने भी हो पुलकित को गो एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.